एक बार गणेश जी ने शंकर जी से कह दिया था, पिताजी 24 घंटे भस्म रमा के रहते हो, भस्म लपेट के रहते हो, कभी एक बार मुझे आपका असली रूप दिखा दो ना। शंकर भगवान बोले बेटा रहने दे, अब बेटा के नहीं है, मेरे को तो देखना है, तुम चलो मेरे साथ। शंकर भगवान ने खूब मना करा पर गणेश जी नहीं माने। गणेश जी नहीं माने तब बाबा भोलेनाथ जी गणेश जी को लेकर चले गए। गंगा जी में जो भोलेनाथ जी ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर जैसे भोलेनाथ जी निकल कर बाहर आए, गणेश जी देखते उनके हजारों मुख हो गए, हजारों आंख हो गए गणेश जी की, और चक्कर खाने लगे गणेश जी महाराज इतने सुंदर। तुरंत गणेश जी ने शंकर जी के चरण पकड़ कर कहा, तुम तो जैसे थे वैसे हो जाओ। शिव जी ने पूछा कैसे, भस्म लपेटो। अब शंकर भगवान भस्म नहीं लगा रहे, गणेश जी ने अपनी सूंड में भस्म भरकर भोलेनाथ जी पे छोड़ी, हाथ से शंकर भगवान को भस्म लगा रहे भगवान गणेश जी। तो शंकर जी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहा है। शंकर भगवान से गणेश जी महाराज बोले, आप बड़े सुंदर हो पर मेरी माता पार्वती से ज्यादा सुंदर हो, इसलिए मेरी माता से ज्यादा सुंदर मैं किसी को देख नहीं सकता, मेरी जान चल रही है, इसलिए तुम वैसे ही हो जाओ जैसे थे। शिव जी वापिस वैसे हो गए। कितने सुंदर है मेरे बाबा की कोई और।